तो तुम नूब हो, अगर प्रो होते ना तो फ्री फायर नहीं खेलते, पबजी के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सूझता। और बेटा डाउनलोड होने से अगर कोई स्टार बन जाता ना तो सनी लियोन सुपर स्टार होती, कैटरीना को कोई नहीं पूछता। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं, कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और नूबड़ो हम लोगों से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। कि फ्री फायर मत कर, चलती हवा को रोक देते हैं। और बेटा हमारे मुंह मतलब पबजी वाले हैं, बिना स्कोप लगाए ठोक देते हैं। तेरा बाप क्या पबजी 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 करते हो, सारा पबजी प्लेयर का मुंह तोड़ देंगे। अरे तुम हमारा एक प्रो बंदा मार के बता दो, हम फ्री फायर खेलना छोड़ देंगे। खुद को लेजेंड समझते हो, पबजी वाले तुम्हारे पैरों की खाक है क्या? फ्री फायर मोबाइल में पहले लॉन्च हुआ तो तुम प्रो बन गए। मना की पबजी गेम अच्छा है, कि मना की पबजी गेम अच्छा है, एक बार फ्री फायर वाले इसको और से मिलकर देखो, फ्री फायर ही सबका बाप है। अरे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिलों से खेलते हैं, कि हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिलों से खेलते हैं। और हमें क्या है, हम तो सिंगल हैं, सिर्फ पबजी खेलते हैं। लोग कहते हैं और कहते रहेंगे, कि लोग कहते हैं और कहते रहेंगे, हम तो आग हैं, फ्री फायर खेलते रहेंगे। पबजी चाइना की है, इसको बैन कर देना चाहिए। ये सब बोलने वालों रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जागे ना, पहले ना गूगल पे सर्च कर लो, पबजी साउथ कोरिया की है। ये सब अफवाह ना फ्री फायर वाले फैला रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ फ्री फायर वालों, तुम्हारे लिए दो लाइन्स, कि बेटा हम पबजी वालों का एटीट्यूड और स्टाइल दोनों अलग है, अगर बराबरी करने लगोगे ना तो बिक जाओगे। तेरा बाप। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं, कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और नूबड़ो हम लोग से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। कौन कहता है कि हमें पबजी ने बर्बाद किया, कि कौन कहता है कि हमें पबजी ने बर्बाद किया, जब कोई नहीं था मेरे साथ तो पबजी ने मेरा साथ दिया। किसी ने हमसे पूछा कि इतना फ्री फायर में खोए क्यों रहते हो, कि किसी ने हमसे पूछा कि इतना फ्री फायर में खोए क्यों रहते हो, तो हमने भी मुस्कुरा के कह दिया कि किसी के दिल से खेलना हमें आता नहीं और फ्री फायर हमसे दूर जाता नहीं। गूगल, ये फ्री फायर वाले आजकल इतना उड़ रहे क्यों है? वह उनके बाप के ड्रम पे उड़ रही है। अच्छा, उनके बाप का नाम तो बताओ मुझे। ये भी कोई पिछने वाली बात है। पबजी पबजी पबजी, क्या बोला बेटा? पबजी फ्री फायर का बाप है? क्या बोला बेटा? पबजी फ्री फायर का बाप है? बेटा बात ऐसी है ना, कि बाप के जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बाप नहीं बन जाता। फ्री फायर पबजी का बाप है, दुनिया जानती है, मगर तुम जैसे पबजी के कुछ नल्ले बेटों को समझ में नहीं आता और हमारा घंटा कुछ नहीं जाता। हम पबजी वाले दोस्त, पबजी वाले झुकते नहीं, झुकाते। और क्या बोला रहे फ्री फायर वाले नुबड़े, कि फ्री फायर वाले झुक झुक के नहीं खेलते? तो तुम रास्ते पे जो दीवार बनाते हो वो पेंटिंग के लिए बनाते हो क्या? अरे ओए पबजी वाले नल्ले, क्या बोला? पबजी वाले झुकते नहीं, झुकाते। असल में बेटा पबजी वाले कुत्ते, काटते नहीं भोंकते। और क्या बोला बेटा? हम दीवार पेंटिंग के लिए बनाते। बेटा हमारे फ्री फायर में तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है, जो जंगल में जाके चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे। और बेटा जो तू दीवार बोल रहा है ना, उसे दीवार नहीं कहते, ग्लूवल कहते। पहले बोलना सीख, उसके बाद वीडियो बना। सारा जमाना पबजी को बुरी आदत बोलता है, और पबजी ही तो है जो टूटे हुए दिल को जोड़ता है। हर परेशान इंसान पबजी की वजह से हंसता है, और पबजी ही तो है जो हमारे दिल में बसता है। कोई साथ नहीं देता है, हर कोई करता है दिखावा। इससे अच्छा कि दोस्त ही मत बनाओ फ्री फायर के अलावा।